दोस्तों अपने किसानों के आम ही यह समस्या कि जदों कोई पशु सू पैंदा तां सून तो बाद कई बार आपां किन्ना मर्जी उहनूं दाणा पाई जाईए उह खांदा नहीं गा जिसके करके दुध भी घट दिंदा गा। इस तों इलावा कई बार तां कई कई महीने पीक लैवल ते नहीं आउंदा ते आपां अक्सर देखदे कि किसान बहुत परेशान हुंदा ते इह वी कहिंदा सुणदे आ पिछले सूए नालों तां इस बार काफ़ी दुध घट गया साडी मझ जां गां दुध घटा गई। कई बार तां अपनी गां जां मझ बैठ जांदी आ तां इह होर वी वड्डी समस्या। तां दोस्तों इन्हां सारियां समस्यावां दा हल आपां इसे वीडियो च करांगे। जो भी किसान वीर इह वीडियो देख रहे कृपा करके अपने चैनल में सबसक्राइब कर दे अते जेकर तुसी यही वीडियो फेसबुक पेज उपर देख रहे हो तो अपने पेज में फॉलो करना बिल्कुल ना भुलना। तो दोस्तों सब तो वड्डी समस्या कि पशु का बैठ जाना चाहे तुहाडी गां चाहे तुहाडे मझ है। वैसे ये ज़्यादा समस्या अपनियां गावां दे विच आउंदी है खास करके HF दे विच। देखो दोस्तों ध्यान नाल सुनना जदों ही अपनी गां जां मझ सू पे तां उसनूं नाल दी नाल तुरंत कैल्शियम जैल जरूर देनी आ। ये कैल्शियम जैल तुसीं स्क्रीन दे उपर देख सकदे हो काफ़ी कंपनियां दी आउंदी है ते हर एक मैडिकल दे विच उपलब्ध आ। दोस्तों इस कैल्शियम जैल बारे जानना हर एक किसान वीर दे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये इन्नी ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों कई बार की होंदा कि रात बराते अपना पशु बैठ जाता गा जिदे करके डॉक्टरी सहायता अपन मिलती नहीं परंतु उस वेले आपां की करना जो तुसीं स्क्रीन के उपर देख रहे हो ना आही जैल आपां तुरंत पिया देनी है पशु नूं। तां दोस्तों जदों ही आपां इह जैल पिया देवांगे तां 12 घंटे लई अपना पशु सुरक्षित आ नाल दी नाल इहने अपना कम कर देना गा। तो दोस्तों लगातार 2 दिन ये जैल तुसी अपने पशु नूं सून तो बाद पियानी ही पियानी है। तो दोस्तों जेकर तुहानूं ये गल नहीं पता तो इस वीडियो दब के शेयर कर दो ताकि होर किसान वीरां दा भी भला हो सके। तो बाद दोस्तों सून तो बाद आपां पता की करते हैं नाल दी नाल आपां दुध वधाउण वालियां खुराकां शुरू कर दिंदे आ। आपां पशु की सेहत वल निवेश दे बस आपां तां दुध चाहिए जिहदे करके कई बार अपना पशु दुध बहुत घटा जांदा खाण पीना बंद कर दिंदा। इस तों इलावा कई बार तां सारा साल पशु पीक लैवल ते आउंदा ही नहीं गा। आपां कोई भी दुध वधाउण वाली खुराक नहीं पाउणी। इस तों बाद दोस्तों आपां रिज्जिया होया दाणा ते नाल अद्धा किलो गुड़। देखो दोस्तों जिहड़ा गुड़ आ ओह इक बहुत ही वधिया एनर्जी का स्रोत आ इहदे विच फास्फोरस की मात्रा भी बहुत हुंदी हैगी ते बहुत ज्यादा वधिया गा अपने पशुओं के लिए ये दे सकदे। इस तों इलावा अपने बाजार दे विच भी कई तरह दीआं खुराकां आउंदीआं जिवें कि फ्रैश काउ होगी जिहड़ी कि अपने पशु दी जिहड़ी बच्चेदानी आ उसदी सफाई कर दिंदी आ इक गट्टा उसदा पा सकदे आ। कुल मिला के मेरे कहन दा मतलब यह है कि पहले 10-12 दिन पशु नूं दुध वधाउण वालियां खुराकां ना पाओ उसकी सेहत वल ध्यान दिओ। दोस्तों जेकर अपना पशु सेहतमंद होगा तंदुरुस्त होगा सारे तत्तां दी घाट आपां पूरी करांगे तां उस तों बाद जेकर आपां दुध वधाउण वाली खुराक दिंदे आ तां दुध वधाउण वाली खुराक भी आपां इक्के दम नहीं देनी हौली हौली करके देनी आ। तां तुसीं आप देखोगे जो तुहानूं रिजल्ट मिलेगा उस नूं देख के तुसीं आप हैरान होवोगे। जेकर तुसीं इन्हां गल्लां वल थोड़ा जिहा भी ध्यान दिंदे हो ना तां तुहाडा जिहड़ा पशु आ बड़ी ही छेती पीक लैवल ते आवेगा उसका दुध भी पहलां नालों वध जाएगा इस तों इलावा लंबा समय तक दुध देवेगा। तो दोस्तों अज की वीडियो इन्ना की जानकारी वधिया लगे तो इस वीडियो लाइक शेयर तो चैनल सबसक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुलना। धन्यवाद दोस्तों।